भाजपा की निकाय चुनाव समिति के संयोजक पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को भरोसा है कि निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत होगी। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कांग्रेस के पास ना नेता है और ना नियत। भाजपा के वरिष्ठ नेता उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि निकाय चुनाव भाजपा एकतरफा जीतेगी, भाजपा हर निकाय का अलग घोषणा पत्र बनाएगी। गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास नेता और नियत दोनों ही नहीं है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि मीडिया ने ही उन्हें मजाक का पात्र बना दिया है। मैं हम वर्षों से 50 साल हो गए काम करते हुए, पार्टी जो भी जवाबदारी जब देती है उसको पूरा निर्वहन करने की कोशिश करते हैं। इस बार नगरीय निकाय चुनाव के जवाबदारी दी है, हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में सारे कार्यकर्ताओं के बल पर इस चुनाव में भी भारी सफलता प्राप्त करेंगे। दिग्विजय सिंह को कहाँ गंभीरता से लेते हो, आप भी उनको हंसी मजाक का पात्र बना के रखे हो। कुछ तो भी कहना, कौन किसके साथ रहा ये देश पूरा जानता है, और कौन अब देश के सम्मान की रक्षा कर रहा है, स्वाभिमान की रक्षा कर रहा है, कौन देश का महत्व दुनिया में बढ़ा रहा है, ये भी हिंदुस्तान की जनता ने बहुत अच्छे ढंग से तुलना कर ली और देख लिया है। तो अब दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग जो कि राजनीतिक दृष्टि से गर्त में चले गए हैं और मीडिया में ऐसा कुछ नहीं बोले तो फिर वो छपेंगे नहीं ना दिखेंगे। ग्राउंड से कांग्रेस बुरी तरह कट गई है और इसलिए जनता ने नकार दिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।